तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन 2022 में इंग्लिश जो है क्लास नाइन्थ का जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका सब्जेक्टिव का आंसर के बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव का बना दिया है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड टर्म ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यानी सारा क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ टेस्ट के रिगार्डिंग बनाता हूँ। अगर यहाँ पर आपको नहीं आ रहा है तो आपको इसी वगैरह में भी नहीं आ रहा होगा, यानी कि आपकी तैयारी बहुत वीक है। तो फाइनल एग्जाम के लिए आप काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मालूम है, इसलिए आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, ये बात कभी याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में जो है सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर नाइन्थ में जो भी बच्चे हैं उन्होंने नाइन्थ की हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो सबका आप देख सकते हैं वीडियो को, जब देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में टेली इसका ये हमारा प्ले लिस्ट का ई होगा। ठीक है, प्ले लिस्ट का जो है लिंक होगा जिसमें नाइन्थ का जितना भी अभी सावधिक परीक्षा चल रहा है सेकेंड वाला सारा सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव का आंसर है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं आज की वीडियो में सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मैंने लिंक दे रखा, प्ले लिस्ट वहाँ जाकर देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे सेक्शन बी का, यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन बी का करेंगे आप, यानी कि सब्जेक्टिव करेंगे। सेक्शन बी में देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ऑन वर्ड्स, यानी अपने ये पैसेज को आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और अपने हिसाब से इसका आंसर देना। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे मैं देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर ये पहला का है, देख लीजिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पहला एक का यहाँ पे है टोटल और यहाँ से सवाल बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक का वन है, कह रहा है कि हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर, व्हाट डिड ही लाइक, क्या करते थे। दो नंबर का ये है सारा, दो नंबर का टोटल चार क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विच अवार्ड वाज गिवन टू हिम इन 1913 एंड फॉर व्हाट, तो इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि मैक्स एंटरेस्ट विथ म्यूजिक इंटरेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी आंसर बताऊंगा, सब दो का है। ठीक है, और लास्ट जो है आखिरी जो है देख सकते, ये तीन नंबर, दूसरा नंबर, तीन नंबर का, दो नंबर का है, दो दो चार दो छः नंबर है ना। तो चलिए इस देख लेते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन जो है विच वाज हिज फर्स्ट पोएम, तो इस ये हो गया, तो इसका हम लोग आंसर देख लेंगे। लेकिन इससे पहले दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि दूसरा जो है आपका पैसेज ही है, देख सकते हैं दूसरा भी आपका पैसेज ही है। ठीक है, दूसरा भी पैसेज ही है, याद रखिएगा। तो इसको भी आपको पढ़ना हो, इसका आंसर उसी में लिखा रहता है, देख सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, देख सकते हैं। और मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसका आंसर मैं बता दूंगा एक ही साथ। क्वेश्चन वन का देख लीजिए आप लोग, पहला है क्या विच इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एन एवरेज, ठीक है, कोकोनट ट्री। थर्ड नंबर है व्हाट इज द मेड फ्रॉम द आउटसाइड लेयर्स ऑफ द कोकोनट, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आईवी मैक्स सेंटेंस विथ कोकोनट फ्लेश, तो इस तरीके से चारों क्वेश्चन है, दो का पैसेज है, पहला भी हो गया पैसेज, दूसरा भी पैसेज है, सारा क्वेश्चन मैंने चारों दिखा दिया, अब सारा का आंसर दिखाना। चलिए मैं सबका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है आपको। तो गाइस देखिए सभी का मैं आंसर बारी बारी से बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पैसेज देख सकते हैं, पैसेज का यहाँ पे आंसर सबका लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर एक का पूरा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आई का आंसर यानी एक का पहला पैसेज का आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं, एक का क्वेश्चन नंबर आई का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ तक है। ओके, तो आप लोग कर दी लिख लीजिएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि, ठीक है, दूसरा नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री भी देख सकते हैं, इसका आंसर ये है। और क्वेश्चन नंबर चौथा देख लीजिए, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये पहला पैसेज का पहला नंबर क्वेश्चन का, दूसरा नंबर देख लीजिए क्वेश्चन का पैसेज का आंसर, दो का पहला का आंसर देख लीजिए आप लोग, दो का है पहला का आंसर यहाँ पे देखिए। कोकोनट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं कोकोनट नारियल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ से चौथा चार नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक चार तक आंसर, ठीक है। तो ये पैसेज का हो गया जो आपका 18 या 20 नंबर का क्वेश्चन आपको रहता है, जो इंग्लिश में आसानी से कोई भी नंबर उठा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो चलिए जो का करा दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, उसका फिर हम उसका आंसर देख लेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स, यानी आप इसको अच्छे से पढ़िए कविता को और उसके बाद अपने शब्द में इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसका देख लीजिए शब्द पूरा यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद जो इसको आपका जवाब देना, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, इसका यह क्वेश्चन है देख लीजिए। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी लव ऑल थिंग्स, यानी हमको क्यों जरूरत है सभी चीज़ को प्यार करना, ठीक है। और उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू लाइन्स, यानी आपको जो दो लाइन पढ़े हैं ना उसका आपको शब्द में समझाना, ठीक है। उसका चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 15 वर्ड्स, पहला है योर स्कूल, ये पाँच नंबर का सवाल है, योर स्कूल गार्डन पोल्यूशन हो गया, द पोस्टमैन, आवर नेशनल फ्लैग, द रेनी सीजन, यानी इसमें से आपको 50 से 60 शब्द मानिए ना आपको जो है ना उत्तर देना, ये कह रहा है किसी पे स्कूल में दीजिए या पोल्यूशन मतलब जो होता है
काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं प्रदूषण हो गया वो पोस्टमैन डाकिया के ऊपर, नेशनल फ्लैग यानी अपने जो है हमारा राष्ट्र झंडा उसके ऊपर, और रेनी सीजन मतलब कि जो बारिश वाला मौसम उस पर, ठीक है। तो इस सब पे आपको हम देख लेते हैं सभी का आंसर, एक एक चीज़ हम देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग आंसर देख लेते हैं। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देख लीजिए थर्ड का यहाँ पे आंसर देखिए, पहला कहा अकॉर्डिंग टू द पोएट ही पेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया। और दो का भी देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर दो वगैरह का भी देखिए, क्वेश्चन नंबर दो का ही आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए आप लोग, ये आंसर था द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू लाइंस, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, ठीक है। और हम जो 50 वर्ड वाला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चार का, हम किसी एक पे देख लेते हैं, रेनी सीजन पे हम लोग आंसर देखें, इस क्वेश्चन नंबर चार का भी आंसर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, देखिए अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसका तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, देखना वीडियो पीडीएफ चाहते तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ देने के लिए आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक होगा, क्या होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा। टेलीग्राम में क्या कीजिए आप लोग, ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं, रेनी सीजन का आप लोग देख लीजिए आंसर, ठीक है। द रेनी सीजन इज ब्यूटीफुल एज वेल समथिंग देख सकते हैं यहाँ तक है, ठीक है। और चलिए और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसका उसका भी हम आंसर बता देंगे, ठीक है। हम चलिए आंसर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर यानी थ्री क्वेश्चन चूजिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 10, यानी 5 से लेकर 10 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 का जवाब देना है, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन 5 देख लीजिए, पढ़िए, राइट एनी एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर लीव्स ऑफ 5 days ऑन द ग्राउंड ऑफ योर सिस्टर मैरिज, यानी कि आपको मैदान से आपको 5 दिन की छुट्टी लेना है, अपने बहन के शादी में जाना, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना, ठीक है। 6 नंबर, राइट ए लेटर योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ योर कंट्री, और अपने दोस्त को खत वगैरह लिखिए जिससे आपके दोस्त के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, आप 6 पढ़ लीजिए, 7 पढ़ लीजिए, 8 पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा 5 का ये है ना, 6 नंबर भी क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 6, इसमें कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया इसका, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस तरीके से हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 6, मतलब 5वां जो नंबर है ना मिस प्रिंट हुआ, यानी ये 5वां नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये 5 से 10 है ना, तो ये 6 का हो गया, याद रखिएगा, ये 5 नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 से 10 है, लेकिन 6 नंबर इसमें क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सारा कांसर चलिए हम आपको बता दीजिए, 6 नंबर पढ़ लीजिए, एक साथ सारा का आंसर हम बता देंगे, ठीक है। चलिए सब का आंसर बता दें आपको, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये द प्रिंसिपल के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए उसका, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए, उसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है, यहाँ तक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ओके। चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, 6 का है, 6 का पहला का देखिए आंसर, पुरु वाज द 5th एंड द यंगेस्ट सन ऑफ यति, यस ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल। यहाँ पे देख लीजिए 6 का 1 का आंसर है, 6 का 2 का आंसर है, 6 का यहाँ पे 3rd का नहीं, 4th का, ये 5वां का आंसर, ठीक है। तो देखिए नीचे मैं इसका लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 का 2, 7वां का आंसर देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और पीडीएफ देना चाहते तो बस हम वीडियो आप देख रहे ना, उसके लिए में टेलीग्राम का लिंक होगा, क्या है, टेलीग्राम का लिंक होगा, बस आप लोग टेलीग्राम में जो है वहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर के क्लास ना आंसर, ठीक है। और तो आई होप आप लोग हमारी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर इसी तरीके से आप लोग चाहते हैं पीडीएफ वगैरह तो हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, जब तक आप सबका धन्यवाद।